नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। मरकज फला व नेरूर पोलीस ठाणे यांच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन गेल्या 20 वर्षापासून केले जाते। मरकज फला ही संस्था गेल्या 20 वर्षापासून स्थापन असून गरिबांना साथ देण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी कोण नव्हतं तेव्हा ही संस्था स्थापन झाली आहे। या संस्थेतून मोठ्या प्रमाणात मुलेही शिकून पुढे गेली आहेत। गेल्या 20 वर्षापासून इफ्तार पार्टीचे आयोजन या संस्थेच्या मार्फत केले जाते। यावेळी मोठ्या प्रमाणात सर्व धर्माचे धर्मगुरू एकत्र येऊन ही इफ्तार पार्टी साजरी केली जाते। यामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येतात, कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न मानता त्यांच्या आनंदात सहभागी होत असतात। यावेळी महापौर जयवंत सुतार, परिवहन मंडळ 1 उपायुक्त सुधाकर पठारे, नेरूरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन राणे, मरकज फलाचे संस्थापक अली अहमद श्यामजी, तसेच सर्व धर्माचे धर्मगुरू व शिवसेनेचे नगरसेवक नामदेव भगत, काँग्रेसचे नेते संतोष शेट्टी, राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के, सोलजा सुतार, भाजपा नगरसेवक सुनील पाटील उपस्थित होते। तसेच सर्वांनी मिळून रोजा खोलण्यात आला। यावेळी महापौर जयवंत सुतार यांनी सांगितलं की नव्या मुंबईत सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन जे शहर आहे शांततेने आणि एकोप्याने राहतील असं उद्दिष्ट इफ्तार पार्टीचं आहे। मरकज फला आणि नेरूर पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून गेल्या 20 वर्षाच्या कालखंडापासून इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं जातं। इफ्तार पार्टीचं त्या ठिकाणी फक्त निमित्त असतं, परंतु सर्व समाजाच्या धर्मगुरूंना या ठिकाणी बोलावून त्या धर्मगुरूंचं आपापल्या धर्माच्या प्रमाणे असलेले बोल हे लोकांपर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम त्या माध्यमातून केलं जातं। आणि ह्या नव्या मुंबईमध्ये सर्व जाती धर्मपंथाचे नागरिक एकत्र येऊन या ठिकाणी जे शहर आहे हे निश्चित स्वरूपामध्ये एक अमन शांती राहील, शांततेनं आणि इकोप्यानं राहतील असा हा उद्देश ह्या इफ्तार पार्टीच्या माध्यमातून आहे। उपायुक्त पठारे यांनी पोलीस खात्याच्या वतीने रमजान ईदच्या शुभेच्छा देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या। सबसे पहले रमजान के इस पवित्र महीने के लिए और आने वाली ईद के लिए सभी भाई बहनों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये सब ईद शांति और अमन से सेलिब्रेट करें ऐसी आशा करता हूं, आवाहन करता हूं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये मरकज फला जो लोकल NGO है इसने और लोकल पुलिस स्टेशन ने सब इकट्ठा होके सब धर्मीय धर्मगुरु प्लस सब धर्म के भाई बहनों को बुला के सेलिब्रेट इफ्तारी सेलिब्रेट किया और न्यू बॉम्बे में जो अच्छा माहौल है ये बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। सभी के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। दिवाली में अली मिले, राम मिले, रमजान में देखो कितना प्यार मिलता है मेरे हिंदुस्तान में, असे म्हणत सल्लाउद्दीन शेख यांनी आपले मत मांडले। ये इसका मतलब यही है कि आपस में हम लोग सब मिलजुल के रहे और जैसा कि कह रहा किसी ने कहा है कि दिवाली और ईद, दशहरा और क्रिसमस वगैरह सब हमारे देश के त्यौहार है। दिवाली में अली मिले, राम मिले, रमज़ान में देखो कितना प्यार मिलता है मेरे हिंदुस्तान में। मरकज फलाचे संस्थापक अली एम श्यामजी यांनी सांगितले की असंच जर वातावरण निर्माण झालं तर आपला देश कशातच मागे पडणार नाही। 20 साल से और उसकी वजह यह है कि इसमें पुलिस वालों को इस बात में बहुत रुचि है, तमाम जात धर्म के लोग जमा करते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ कि हर धर्म का आदमी आकर अपनी बात भी किया
और इसका जो कम्युनल हार्मनी के लिए, जातीय सलोखा के लिए जो काम कर रहा है, वो काम के लिए बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है और बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। इस काम को तमाम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तमाम जात धर्म के, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है मरकज़ फला के काम से बहुत ज़्यादा खुश है। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार सा, प्रिया भुजबल रिपोर्ट।